नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की भागीदारी से भूजल के स्थायी प्रबंधन के लिए अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया। कहा, नए भारत को जल से जुड़ी सभी समस्याओं से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईटी पार्क में दून इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सदैव दून का किया लोकार्पण। देहरादून में बन रहे कलेक्ट्रेट भवन का नाम वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती मना रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वाजपेयी के चित्र पर श्रद्धा सुमन किए अर्पित। और क्रिसमस का त्यौहार आज प्रदेश भर में परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना हुई। क्रिसमस पर पर्यटकों से गुलजार हुई मसूरी। अब खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य 7 राज्यों में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल संसाधनों का सतत प्रबंधन करना है। इस योजना में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्य शामिल हैं। इस योजना के कार्यान्वयन से इन राज्यों के 78 जिलों में लगभग 8,350 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कल कैबिनेट ने अटल भूजल योजना को मंजूरी प्रदान की थी। इस योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन पर एक गाइडलाइन पुस्तिका का विमोचन किया। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि पानी का विषय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि अटल जल योजना हो या फिर जल जीवन मिशन से जुड़ी गाइडलाइंस, ये 2024 तक देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को सिद्ध करने में एक बड़ा कदम है। विषय अटल जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। पानी को लेकर के बहुत बड़ी योजना को आकार दिया गया था, लेकिन बाद में अटल जी की सरकार नहीं रही और पानी की योजना ही बह गई। हमने पिछले सरकार के दरमियान पर इस पर बल दिया और अब एक मिशन मोड में इस काम को आगे बढ़ाने का तय किया है। पानी को लेकर के अटल जी का जो विजन था, वो विजन आज भी हमें प्रेरणा देता है। विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी का ये संकट एक परिवार के रूप में, एक नागरिक के रूप में देश के लिए चिंताजनक तो है ही, एक देश के रूप में भी ये विकास को प्रभावित करने वाला है। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया को हमें जल संकट की हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार करना है। मूल आवश्यकता के लिए जो एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, वो पहले की सरकारों के समय अपनाई नहीं जा सकती। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईटी पार्क देहरादून में 234 करोड़ रुपए की लागत से बने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत दून इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सदैव दून का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में बनाने की योजना देश के सामने रखी है। यह सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड आज इसमें 25वें स्थान पर है, जबकि स्मार्ट सिटी की 4थी सूची में इसे सम्मिलित किया गया। उन्होंने कहा कि देहरादून देश की पहली ऐसी स्मार्ट सिटी होगी जो पूर्ण रूप से स्मार्ट सिटी होगी। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत देहरादून में बन रहे कलेक्ट्रेट भवन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी भवन रखने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्थापित किए गए दून इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सदैव दून से ट्रैफिक निगरानी, प्रदूषण के स्तर को नापने, सर्विलांस सिस्टम, वाईफाई एवं अन्य तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। देहरादून की अनेक व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने में भी यह सेंटर मदद करेगा।
राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती मना रहा है। तीन बार प्रधानमंत्री रहे श्री वाजपेयी पहली बार 1996 में 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, दूसरी बार मार्च 1998 से अप्रैल 1999 तक और तीसरी बार 1999 से 2004 तक वे प्रधानमंत्री रहे। 2015 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी प्रगतिशील आर्थिक नीतियों, बड़ी परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए जाने जाएंगे। उनके नेतृत्व में 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किया गया और उन्होंने भारत को एक परमाणु राष्ट्र बनाने में योगदान दिया। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ। विदेश मंत्री के रूप में 1977 में श्री वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था। वे एक प्रभावशाली वक्ता, लेखक, कवि, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्विटर पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वाजपेयी जी के जीवन से अनेक शिक्षाएं ग्रहण की जा सकती हैं। वहीं राष्ट्र आज महान शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर भी उनका स्मरण कर रहा है। भारत रत्न से अलंकृत महामना मदन मोहन मालवीय ने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया। उन्होंने 1916 में वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की प्रथम वर्षगांठ समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सरकारी और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितम्बर 2018 को देश को विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना दी। इस योजना से 10 करोड़ बीपीएल परिवार लाभान्वित हुए हैं। इससे प्रेरित होकर 25 दिसंबर 2018 को प्रदेश में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना से राज्य के सभी परिवारों को कवर किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश में 1,10,00,000 लोगों के गोल्डन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के चेयरमैन डीके कोटिया ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक की निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम पर फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार के खिलाफ अब बुद्धिजीवी वर्ग सामने आने लगा है। चमोली जिले में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्णप्रयाग के सहायक प्रोफेसरों ने इस अधिनियम के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार को न सिर्फ नकारा है बल्कि इस अधिनियम के फायदे भी सबके सामने रखे हैं। सहायक प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ने केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम की सराहना की। उन्होंने कहा यह अधिनियम लोगों को नागरिकता देने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों से अल्पसंख्यक लोग समय समय पर भारत में शरणार्थी हुए हैं जिनको नागरिकता देने का कार्य अब शुरू किया जा रहा है। इस बिल के माध्यम से पड़ोसी राज्यों, 3 पड़ोसी राज्यों विशेषकर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में बसे अल्पसंख्यक हिंदुओं, बौद्ध, क्या कह सकते हैं, जैन, सिख, ईसाई, पारसी लोगों को नागरिकता देने का काम किया जाएगा। लेकिन इस बिल का ऐसा माहौल बनाया जा रहा है पूरे देश में कि ये धर्म के आधार पर मुस्लिमों को यहाँ से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यह बिल को क्या है, डेडलाइन के आधार रखा गया है कि 31 दिसंबर 2024 तक बसे नागरिकों को यहाँ पे किसी की नागरिकता नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो मुस्लिम भी आवेदन करना चाहते हैं उन लोगों को भी नागरिकता देने का कार्य किया जाएगा, लेकिन उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद। अब इसको आधार बनाकर जैसे गैर बीजेपी पार्टियां हैं उनको देश में माहौल बना रहे हैं कि क्या नाम है, बीजेपी क्या है, धर्म के आधार पर विभाजन कर रही है और आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है। लेकिन ये क्या है, ये बिल भारतीयों के लिए है, भारतीयों के अल्पसंख्यक जो अन्य देशों में है उन लोगों के नागरिकता प्रदान करेगा। सहायक प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप जोशी ने कहा कि पड़ोसी मुल्कों से आए शरणार्थियों को बेहतर जिंदगी दिलाने के लिए आवश्यक है कि उन्हें देश की नागरिकता दी जाए, इसलिए केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता दे रही है। ये सराहनीय कदम है,
इससे किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी बल्कि नागरिकता दी जाएगी। जो हमारे बाहर देशों में जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन रह रहे हैं, उनके अधिकार को हनन ना हो और उन्हें एक अच्छी जिंदगी दी जाए, उसके लिए भारत सरकार का एक कदम है और ये एक सराहनीय कदम है। इससे उन लोगों के अधिकारों, उनको ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, बल्कि उन्हें उनको एक अच्छी जिंदगी भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। और अगर कोई संविधान की आपत्ति है तो उसे अपनी बात अच्छी तरीके से सरकार के समक्ष रखनी चाहिए। हिंसक तत्वों को भड़का के या उनका सहारा लेके लोकतंत्र की भावना को ठेस पहुंचाते हुए हमें कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी राष्ट्रीय संपत्ति को या हमारी राजकीय संपत्ति को हानि हो। सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुनील सिंह ने कहा कि इस अधिनियम से ऐसे लोगों को नागरिकता मिलने जा रही है जिन्हें पड़ोसी देशों में धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया गया। ऐसे में भ्रामक प्रचार कर देश में विद्रोह फैलाना और राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है। धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए लोगों को नागरिकता प्रदान करने के लिए एक सराहनीय कार्य है, क्योंकि इस बिल के द्वारा किसी भी, चाहे भारतीय हो चाहे अन्य देश से आए हो नागरिकों, उनकी नागरिकता छीनने का कार्य नहीं, बल्कि इन तीन देशों से जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए लोग हैं उनको नागरिकता देना है। उसमें भी सरकार ने ये कदम उठाया है कि भाई दिसंबर 2014 से पहले जो भी नागरिक इन देशों से आए हैं उन्हीं को नागरिकता प्रदान की जाएगी और जो उसके बाद आए हैं उनको किसी भी प्रकार की नागरिकता नहीं दे सकते। लोगों में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाई सभी को, यानी जो इस देश में मुस्लिम है उनको बाहर भगाया जाएगा या उनकी नागरिकता छीनी जाएगी, उनसे संबंधित ये बिल कतई नहीं है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से इस अधिनियम के खिलाफ दुष्प्रचार कर देश में अराजक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि हम सब इस अधिनियम की सही और पूर्ण जानकारी अवश्य रखें। क्रिसमस का त्यौहार आज प्रदेश भर में परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ श्रद्धा भक्ति से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गिरजाघरों में आज विशेष प्रार्थना की गई। प्रभु यीशु के जन्मदिन पर प्रदेश भर में गिरजाघरों में विशेष सजावट की गई है। प्रभु यीशु के जन्म की झांकी लगाई गई है। क्रिसमस पर क्रिसमस ट्री लगाने की परंपरा है। इस बार भी जगह जगह रंग बिरंगी रोशनी से क्रिसमस ट्री को सजाया गया है। देहरादून भी क्रिसमस के रंग में नजर आया। ईसाई धर्म से जुड़े लोग सुबह से ही गिरजाघरों में पहुंचने शुरू हो गए थे और विशेष प्रार्थना में शामिल होने के साथ ही एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। देहरादून में गिरजाघरों को विशेष तौर पर रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। रात के समय में इनकी सुंदरता देखते ही बन रही है। वहीं कोटद्वार, बागेश्वर, नैनीताल, मसूरी में भी क्रिसमस की धूम देखने को मिली। मसूरी में मेमोरियल ME चर्च में विशेष प्रार्थना में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। मानवता के लिए तो प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश है कि वो सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए दुनिया में नहीं आया, वो सारी सर्व धर्म के लिए आया, सब लोगों के लिए आया और हर जिसने भी उस पर विश्वास किया वो उसने हमेशा आशीषें पाई हैं। और ख़ास तौर से चर्च के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये चर्च हमारे सामने, मतलब जब हम पैदा हुए तो ऐसा ही था और आज भी उस ईश्वर की कृपा से ऐसा ही है। हमारा ये संदेश है जी कि हम शांति प्रिय लोग हैं, शांति चाहते हैं और इस देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी ये अशांतियां फैली है ये इससे कुछ नहीं होगा। क्रिसमस के अवसर पर मसूरी में पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है जिसके चलते आज लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। इस बीच राज्य के अन्य हिस्सों में भी क्रिसमस का पर्व मनाए जाने की खबर मिली है। मसूरी विंटर कार्निवाल का आज शुभारंभ हो गया। 30 दिसंबर तक चलने वाले कार्निवाल में आज परेड का आयोजन किया गया। लोक संस्कृति से जुड़े कलाकारों ने परेड में भाग लिया। SDM मसूरी वरुण चौधरी ने बताया कि मसूरी विंटर कार्निवाल की शुरुआत वर्ष 2013 में हुई थी जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन, संस्कृति और स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि मसूरी विंटर कार्निवाल में स्थानीय कलाकारों के साथ ही देश के अन्य कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है।
प्रशासन द्वारा 2013 में शुरू करा गया था, जो 2013 में हमारी आपदा जो स्थिति थी उसके बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू कराया गया था। ये हमारा 7वां एडिशन है और इसमें हमारा प्राइमरी जो फोकस रहता है वो उत्तराखंडी कल्चर और उत्तराखंडी खाने और व्यंजनों पर रहता है। उसके अतिरिक्त म्यूजिकल आर्टिस्ट भी हम बाहर से बुलाते हैं। इस साल हम प्रसिद्ध मोदी गली बॉय जो सिंगर हैं डिवाइन, वो हमारे मेन आकर्षण है एज फार एज आउटसाइड आर्टिस्ट आर कंसर्न। एंड उत्तराखंड से हमारे पास लगभग 40 आर्टिस्ट हैं परेड के अतिरिक्त जो स्टेज पर परफॉर्म करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को उनकी जयंती पर भावपूर्ण स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की धरोहर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने देश की आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की आज़ादी में पेशावर कांड मील का पत्थर साबित हुआ जिसने भविष्य के लिए एक क्रांतिकारी आधारशिला रखी। उन्होंने निहत्थी जनता पर गोली न चलाकर दुनिया को अपनी बहादुरी और देशभक्ति का संदेश दिया था। पेशावर कांड के बाद महात्मा गांधी ने गढ़वाली नाम देकर उन्हें सम्मानित किया था। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।